डियर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अपने घर में सुरक्षित होंगे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कुंडली का विश्लेषण करने जा रही हूं, और वो हैं हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, यूपी चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ की भविष्यवाणी को लेकर के। खास तौर से उन्होंने मुझसे उनकी कुंडली का विश्लेषण करते हुए ये प्रश्न पूछा हुआ है कि आने वाले 2022 के चुनाव में, इलेक्शंस में, मिस्टर योगी आदित्यनाथ विल बी द नेक्स्ट सीएम, क्या वो कंटिन्यू करेंगे अपनी इस पोस्ट को या नहीं कर पाएंगे। कुंडली के अकॉर्डिंग जो मैंने विश्लेषण निकाला, उनके शुक्र वक्रीय का है और गुरु भी का वक्रीय है, जो कि दसम भाग मंगल बैठा हुआ है, और उनके मंगल में दृष्टि डाले हुए है, केतु 12वें घर में है, और इस तरह की कुंडली उनकी बन के आती है। केवल उन्होंने इलेक्शन के बारे में पूछा हुआ है, ऐसे तो व्यक्ति का बिहेवियर भी पता चल जाता है। अगर मैं उनके बिहेवियर की बात करूँ, जो कि उनकी कुंडली कहती है, वो ये है, शॉर्ट में मैं आपको बता दूँ, वो बहुत ही स्ट्रेंथफुल पर्सनैलिटी है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है। स्ट्रेंथ मतलब कि पावर बहुत है उनके अंदर, जिस चीज़ को वो करना चाहते हैं उसको वो करके रहते हैं। बहुत ही हटी हैं, एटीट्यूड से बहुत ही पावरफुल हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, अपने दम पे अपनी बात कहते हैं, किसी से भी डरते नहीं हैं। उनकी इस तरह की जातक की जो कुंडलियाँ होती हैं वो किसी से भी डरते नहीं हैं, इस तरह के लोग। तो जो उत्तर प्रदेश के जो सीएम हैं, उनकी कुंडली ऐसी ही है। ऐसे व्यक्ति जो एक बार ठान लेते हैं, करते हैं, जो एक बार कह देते हैं वो करके ही दिखाते हैं, और उनको कोई भी जना डरा या धमका नहीं सकता। मतलब आप समझ लीजिए वो एक क्षत्रिय हैं, खुद भी एक क्षत्रिय हैं। तो कुल मिला के अगर बचपन से लेकर के अगर उनकी कुंडली का विश्लेषण किया जाए, बहुत ही संघर्ष उन्होंने अपने जीवन में किया है, कट्टर संघर्ष किया है, बहुत ही दुख भी देखे हैं, जैसे कि उनकी कुंडली में दिखा रहा है। इन संघर्षों और दुखों को झेलते हुए उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ झेला है, इस वजह से उनको कोई भी जना हिलाने में बहुत कठिनाई महसूस करता है। उनको कोई भी जना आसानी से हिला नहीं सकता है, बहुत ही हटी, बहुत ही हार्ड वर्किंग है। जैसे आप कहते हैं ना कि अपने दम पे कुछ भी जैसे बोल दिया, तो आप अगर उसके अगेंस्ट को अगर कुछ बोलेंगे ऐसी ऐसे जातक के प्रति, तो वो उल्टा आपको ही कटघरे में खड़ा कर देगा। इस तरह की कुंडली है उनकी, बहुत ही पावरफुल कुंडली है। ऐसा उनका बिहेवियर में भी आप देखेंगे, उनके बोलचाल में भी आप देखेंगे, जो कि उनकी कुंडली कह रही है। अब मैं मुद्दे पे आती हूँ, जो कि प्रश्न आपने पूछा हुआ है कि 2022 के इलेक्शन में क्या रिजल्ट रहेगा इनकी इनकी कुंडली के अकॉर्डिंग। इनकी कुंडली को अगर मैं देखूं, तो मुझे यहाँ ज़रूरी हो जाता है कि मैं इनकी भारत की कुंडली को लेकर भी मैच करूं। तो अकॉर्डिंग टू द कुंडली ऑफ द इंडिया एंड द कुंडली ऑफ द मिस्टर योगी और आदित्यनाथ, इन दोनों की कुंडली को अगर मैं मैच करूं, तो ये दिखा रहा है कि भारत में भी अभी बहुत, मैंने प्रेडिक्शंस निकाले हुए पिछले वीडियोस में कोरोना को लेकर के, आप देख लीजिएगा, भारत में अभी संघर्ष बहुत है, स्ट्रगल बहुत है। इकोनॉमिकली कोविड की वजह से बहुत सारी चीज़ें बिगड़ी हैं, थोड़ी सी चीज़ें पीछे हो गई हैं, तो उस सिचुएशन को संभालने में योगी आदित्यनाथ को बहुत ज़्यादा मुसीबतें हुई हैं, बहुत ज़्यादा उन्होंने फेस करा है। लेकिन फिर भी, क्योंकि वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं, जैसे कि मैंने बोला, उनको कोई जना हिला नहीं सकता है, डंके की चोट पर वो अपने बात कहते हैं, और कोई भी जना उनको डरा धमका नहीं सकता है। सीधी सी ये बात मैं कहना चाहती हूँ कि भारत की कुंडली और उनकी कुंडली अगर मिलाई जाए, दोनों की कुंडली में प्रॉब्लम्स दिखा रहा है, स्ट्रगल दिखा रहा है, फाइनेंशियली भी
डिसीजन लेने में या पार्टी से बीजेपी से रिलेटेड कुछ भी डिसीजन लेने में इस वक्त प्रॉब्लम्स हैं। अब अगर मैं चुनाव की बात करूं, तो अब आप ये भी सीधी सीधी सी बात समझ लीजिए कि बहुत ही संघर्ष करने के बाद, इतना सब कुछ अप डाउन्स होने के बाद, मतलब कोविड भी आ रहा है, शेयर मार्केट का भी जो है वो कहीं ना कहीं अप डाउन्स आपको देखने को मिलेंगे, तो ये सब चीज़ें मतलब उत्तर प्रदेश जो है उसको, यूपी को कैसे जो है संगठित वे में एक सशक्त नेता के रूप में वो अपनी इमेज रख पाएंगे, ये सब चीज़ें करने में बहुत स्ट्रगल करेंगे। 2022 में इतना संघर्ष करने के बाद वो अपनी पार्टी को, जैसे क्योंकि कुंडली में दिखा रहा है, जीतेंगे और 2022 में ये जो जीत होगी ये इतनी आसान नहीं होगी उनके लिए, ना ही हमारे उत्तर प्रदेश, भारत का जो स्टेट है, बहुत इम्पोर्टेंट स्टेट है उत्तर प्रदेश। अगर मैं इन दोनों की कुंडली घर में मिलान करूं, भारत का भी संघर्षपूर्ण समय चल रहा होगा इकोनॉमिकली, जैसे कि मैंने बताया कि 2022 में मई के बाद थोड़ा सा भारत सही होगा, लेकिन कोरोना विद्यमान रहेगा, देयर विल प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएंट्स ऑफ कोविड, वी विल सी द वेरिएंट्स। मैंने इसको भी डिटेल में समझाया हुआ है कितने तरह के वेरिएंट्स आएंगे और क्या क्या मुसीबतें प्रॉब्लम्स आएंगी, ये सब मैंने आपको बस समझाया हुआ है, आप पिछली वीडियोज़ में देख लीजिएगा। यहाँ मैं केवल उनकी कुंडली की बात कर रही हूँ, इलेक्शन की बात कर रही हूँ, ये आएंगे वापस आएंगे, लेकिन काफ़ी संघर्ष करने के बाद 2022 में की कुंडली हामी भरती है कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं, इनकी पूरी पूरी संभावना बनती है। 2024 में अगेन आपके इलेक्शंस हैं, लोकसभा इलेक्शंस हैं, उस समय किसी ने मुझसे, उन्हीं ने पूछा हुआ है कि क्या ये प्रधानमंत्री बन सकते हैं 2024 में, 2024 में क्या कोई पॉसिबिलिटी है? तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैंने बोला, ये पूरा पीरियड जो है 10 साल का आपका, 2020 से लेके 2030 तक का, ये 10 साल भारत के बहुत ही चेंज होगा। आप देख रहे होंगे कि हमारे प्रधानमंत्री नए नए पॉलिसीज, नए नए अमेंडमेंट्स, नए नए योजनाएं बना के हमारे सामने लेके आ रहे हैं, कई चीज़ें बदली हैं। तो सीधी सी बात है कि एक इरा चेंज होगा, कुंडली चेंज दिखा रहा है इंडिया में, 10 सालों में आगे हम एक साल निकाल चुके हैं, 6 महीने और 2021 के निकाल चुके हैं, बाकी के आपके 9 साल बाकी हैं अभी। तो उसमें 2024 में कई सारे योद्धा, कई सारे सशक्त नेता पीएम के पोस्ट पे आने के लिए अग्रसर रहेंगे, प्रोग्रेस करें, कोशिश करेंगे कि हम बने पीएम। अब सीधी सी बात है, इस वक्त तो हमारे पीएम जो हैं वो ऑनरेबल प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी जी की एज भी अगर मैं कहूँ तो काफ़ी है, उनकी हेल्थ भी इस वक्त थोड़ी सी आप देखेंगे इस चेहरे पे चिंता दिख रही है, वो अभी उनकी कुंडली में अगर मैं बात करूँ तो उनकी कुंडली में मैं पहले ही बता चुकी हूँ, अप्रैल के महीने मुझे ध्यान है मैंने वीडियो बनाया था पिटिशन निकाल के टैरो कार्ड के थ्रू कि उनकी हेल्थ को लेकर के थोड़ी सी समस्याएं हो सकती हैं। तो अभी 2 साल अभी और हैं, इनकी थोड़ी सी चिंता, उनकी जाहिर सी बात है कि इतना बड़ी मुसीबत है पूरी दुनिया में इस वक्त कोविड को लेकर के, तो चिंता तो होना स्वाभाविक है, और कोई नेता तो ऐसे स्थान पर जाकर के तो नहीं संभाल सकता सिचुएशन। इतना सशक्त और स्ट्रेंथफुल, हमें पावरफुल नेता चाहिए जो कि हमारी, वरना अभी तक तो आप और हम शायद जिंदा रहते भी ना, इतना कंट्रोल करके चला गया है इस चीज़ को कि कोविड बहुत ज़्यादा फैल, देखिए इतना फैला भी उसके बावजूद, कंट्रोल करने की कोशिश करने के बावजूद इतना लोगों का यहाँ पे कैजुअलिटीज हुई हैं, डॉक्टर्स भी यहाँ पे अगर आप गिनती में 700 समथिंग मुझे एक्यूरेट नहीं मालूम है, लेकिन 700 समथिंग न्यूज़ में बता रहा था कि इतनी डेथ ऑल ओवर इंडिया में डॉक्टर्स की हुई हैं। तो ये सब चीज़ें एस्ट्रोलॉजिकली मैं बताऊं तो 2024 में अगर योगी आदित्यनाथ का अगर आने का संभावना बनती है तो वो, मैं ये नहीं कहूँगी कि वो बन ही जाएंगे, लेकिन 4 to 5
अगर इंडिया की कुंडली की बात करूँ तो 4 to 5 नेम्स आएंगे हम लोगों के सामने जो कि एक सशक्त और पावरफुल नेता के सामने में आएंगे, उनमें से इनका भी नाम होगा। अगर बीजेपी कंटिन्यू करती है, बीजेपी का भविष्य जो है वो अगर अच्छा चलता है, क्योंकि देखिए बीजेपी जो है एक्चुअली मिस्टर मोदी की वजह से संगठित है, संगठन में है, एक साथ है। अगर ये नहा हो तब ये बिखर सकती है, क्योंकि ये रहेंगे इसीलिए इनकी संभावना बनती है कि हो सकता है इनको सेलेक्ट किया जाए प्रधानमंत्री के लिए। लेकिन मैं कंफर्म नहीं बोलूंगी क्योंकि उस वक्त ये दिखा रहा है कि 4 to 5 नेताओं का नाम लिस्ट में आएगा कि ये पीएम इनमें से सेलेक्ट हो सकते हैं। उनमें से मिस्टर योगी आदित्यनाथ का नाम दिखाता है, एक सशक्त, एक बहुत ही पावरफुल नेता के फॉर्म में दिखाता है कि हो सकता है ये पीएम बन सकते हैं। मैं इसमें ना नहीं बोलूंगी बल्कि इसे मैं हाँ ही बोलूंगी, लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि एस्ट्रोलॉजी में हम केवल प्रिडिक्शंस कर सकते हैं कुंडली को देख करके। कुंडली इनकी हामी भरती है कि ये बहुत ही पावरफुल बीजेपी के, अगर मैं बीजेपी का भी अगर मैं आपको प्रिडिक्शन बताऊं तो बीजेपी में भी इनका एक बहुत ही पावरफुल, जैसे होता है ना स्तंभ क्रिएट करना, एक पावरफुल स्तंभ क्रिएट करना कि हाँ मैं इस पार्टी को चलाने योग्य हूँ, इस तरह का अपने अंदर वो दम रखते हैं। क्योंकि ये बात उठेगी कि पीएम मोदी के बाद अब अगला कौन हो जो इस कल्चर को आगे ले जा सके, तो सीधी सी बात है कि इनका नाम आएगा। 2024 में चांसेस होती हैं, बनती हैं, लिस्ट में नाम इनका रहेगा, 4 to 5 नेता लिस्ट में रहेंगे, उसमें इनका नाम रहेगा। हम आशा करते हैं कि जो भी प्रिडिक्शंस हैं इनका नाम सेलेक्ट हो और 4 to 5 लोगों में से कोई और सेलेक्ट अगर होता भी है तो मान के चलिए वो बीजेपी का ही होगा, लेकिन इनको हम ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल सशक्त नेता हैं, अपने फैसले को लेकर के कोई कंफ्यूजन नहीं होता है, अडिग रहते हैं, एटीट्यूड से भी बहुत ही अडिग रहते हैं, सशक्त नेता हैं, और इंडिया को इस वक्त ऐसे नेताओं की बहुत ज़रूरत है। अभी हमारे सामने बहुत सारे युद्ध भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि मैंने पहले प्रेडिक्शन से बता चुकी हूँ, तो हमें उन सबको भी फेस ऑन करना है। कोई जना बाहरी कोई ताकत आकर के फ़ायदा ना उठाए, इस चीज़ को भी देखना ज़रूरी है, क्योंकि हरियाणा तो हम सबको इसी देश में ही हैं। तो ये चीज़ ज़रूरी है कि हम एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग इस चीज़ को जब हम लोग देखते हैं तो इस चीज़ को देख के चलते हैं कि कितनी सही बात है और कितनी गलत बात है। सही बात यही है जैसे कि मैंने बताया कि ये जो इरा चल रहा है इस वक्त इरा चेंज होगा, और जितनी भी नेगेटिव, एक चीज़ और भी है जो इंडिया के शायद मैं मिस कर गई होंगी, मैं आपको बता दूं कि 2024 में मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि राहु इस वक्त बैठा हुआ है फर्स्ट हाउस में, तो 20 जून के बाद 20 के एंड में आपको युद्ध जैसे बॉर्डर पे हालात देखने को मिल सकते हैं इंडिया के उस बॉर्डर पे। तो चाइना की तरफ से मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है, पाकिस्तान जो है उस साइड में एक हेल्प की तरह आ सकता है अटैक के फॉर्म में, तो यहाँ पे ये संभावना बनती है। एक चीज़ आपसे मिस हो गई थी, मैं आपको बता दूँ कि 2024 के ईयर में इंडिया की कुंडली में बता रहा है यही जो राहु जो भी आफत मचाया हुआ है फर्स्ट हाउस में, यही आगे जाकर के हमें एक संत प्रोवाइड करेगा। दे विल बी अ बर्थ ऑफ अ ग्रेट सैंट। यही राहु भारत को एक बहुत ही अच्छा सेंट, साधु संत हमें मिलेगा। वैसे तो साधु संत आजकल आपको बहुत सारे मिलेंगे जो, लेकिन ज़्यादातर सब बिजनेस कर रहे हैं। एक साधु, एक संत हमें मिलेगा भारत को 2024 में राहु की पोजीशन जब अपनी चेंज करेगा, तो यही राहु जो अभी आफत मचाए हुए हैं 2024 में हमें एक संत देगा, इंडिया को एक सेंट मिलेगा, सही मायने में
जो स्टैंड होते हैं वो हमें प्राप्त होंगे। आजकल के नहीं, जो बिजनेस करते हैं या जो अपना फायदा निकालने के लिए कुछ भी, मतलब पता नहीं, हम नहीं जानते कि असली है कि नकली है, हमें नहीं मालूम। लेकिन कुंडली इंडिया की ये कह रही है कि 2024 में कुछ ऐसे व्यक्ति का जन्म होगा जो कि सैंड होगा, और हो सकता है आगे जाकर के वो, जैसे कि मैंने बोला कि 2030 के बाद इंडिया का कुंडली जो है वो चेंज होगी, बहुत चेंज आएगा इंडिया में। तो संभावना बन सकती है कि इस तरह के सैंड जब जन्म लेंगे तो भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से आई होप कि हम सब इससे लाभान्वित होंगे, प्रॉफिट मिलेगा हम सभी को, समाज में एक नई विचारधारा होगी, पॉजिटिविटी आएगी। आई थिंक मैसेज जो है आपको आंसर मिल गया होगा, और जो वीडियो के थ्रू जो मैंने आपको बताया है वो आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं छूट गया होगा तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंडिया, उत्तर प्रदेश, प्रधानमंत्री और जो हमारे मोदी साहब हैं और जो अभी इस वक्त जो CM हैं उत्तर प्रदेश के, उनके बारे में अगर कुछ भी छूट जाता है तो मैं आपको उससे अवगत करा दूँगी। फिलहाल के लिए हरे कृष्णा।